नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले नंबर वन सेफेस्ट हैचबैक ऑफ इंडिया टाटा एल्ट्रोज और सेगमेंट किंग बलिनो के बीच में। तो आप भी इन दोनों ही गाड़ियों को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं, आप इन दोनों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर होने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ तीन काम आपको करने हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिजाइन से, और बात करें अगर हम एल्ट्रोज की, तो एल्ट्रोज जो है इंडिया की बेस्ट लुकिंग हैचबैक होने वाली है। क्योंकि बेस्ट हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये गाड़ी जो है लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। इस गाड़ी का जो डिजाइन है वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। बात करें अगर हम इसके फ्रंट की, तो फ्रंट से ये गाड़ी देखने में काफी ज्यादा एग्रेसिव लगती है, और साइड की अगर हम बात करें तो साइड में हमें काफी शार्प एजेस ऑफ कर्व्स देखने को मिलते हैं, जो इस गाड़ी को काफी अलग बनाते हैं। और वही अगर हम बात करें पीछे की, तो हमें कंप्लीट ब्लैक आउट रियर देखने को मिलता है, जो कि इस गाड़ी को काफी ज्यादा यूनिक लुक देता है। और बात करें अगर हम ऑन रोड की, तो काफी ज्यादा लोगों को इसका यूनिक डिजाइन जो है वो अट्रैक्ट करने वाला है। तो ओवरऑल इस गाड़ी का जो डिजाइन है काफी ज्यादा यूनिक है। ऐसा नहीं लगता है कि ये गाड़ी अपने किसी सिबलिंग से मिलता जुलता है इस गाड़ी का डिजाइन, या फिर किसी और गाड़ी से चुराया हुआ है। इसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा यूनिक है, जो कि इस गाड़ी को बाकी गाड़ियों से काफी अलग बनाता है। वही अगर हम बात करें बलिनो के डिजाइन की, तो बलिनो का भी डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। ओवरऑल हमें काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिलता है बलिनो में। इसका डिजाइन जो है एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस गाड़ी को एक होट हैचबैक का नाम दिया गया है। इंडिया की होट हैचबैक कहा जाता है बलिनो को। और ओवरऑल दिखने में ये गाड़ी जो है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगती है। अगर हम बात करें, अच्छी कर्व्स हमें देखने को मिलती है, बल्कि लुक देती है ये गाड़ी, और इसमें हमें लार्जर टायर साइज देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर यहाँ हम डिजाइन में विनर की बात करें, तो अगर हम बात करें एल्ट्रोज की, तो एक बिल्कुल फ्रेश लुक हमें देखने को मिलता है, फ्रेश डिजाइन देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम बात करें बलिनो की, तो पिछले 5+ ईयर से बलिनो का हमें सेम ही डिजाइन देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका एक फेसलिफ्ट वर्जन आया था, लेकिन उसमें भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए, माइनर बंपर चेंजेस किए गए। ऐसे में बलिनो का डिजाइन जो है वो काफी कॉमन और कम अट्रैक्टिव लगने लगा, जिसकी वजह से लोग जो है इसके डिजाइन से थोड़ा सा बोर होने लगे हैं। और वहीं अगर हम बात करें एल्ट्रोज की, तो एल्ट्रोज बिल्कुल हमें फ्रेश डिजाइन में देखने को मिलती है, और हमारे हिसाब से एल्ट्रोज का जो डिजाइन है वो बलिनो पे थोड़ा भारी पड़ने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है इन दोनों गाड़ियों के डिजाइन को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि आपको किस गाड़ी का डिजाइन ज्यादा बेटर लगा। आपके कमेंट करने से उन लोगों को काफी हेल्प मिलेगी जो लोग इन दोनों गाड़ियों के डिजाइन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और बात करते हैं इंटीरियर की। तो यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले एल्ट्रोज की, तो एल्ट्रोज में हमें मिल जाता है एम्बिएंट लाइटिंग, परपेंडिकुलर ओपनिंग डोर्स, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, हाई स्टैंडिंग टच स्क्रीन, और इसके अलावा हमें काफी अच्छा ऑडियो सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि इसके कैबिन को काफी ज्यादा एक्सपेंसिव फील देता है। वही अगर हम बात करें मटेरियल की क्वालिटी की, तो मटेरियल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने में लगती है। और वही अगर हम बात करें पीछे की, तो रियर स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तीन लोगों को बैठने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये गाड़ी जो है अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वाइड गाड़ी है। वही अगर हम बात करें बलिनो की, तो बलिनो में हमें काफ़ी अच्छा डिजाइन डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ मटेरियल की, तो एल्ट्रोज के कंपैरिजन में उतनी प्रीमियम हमें क्वालिटी देखने को नहीं मिलती जितनी कि हमें एल्ट्रोज में देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम बात करें लेगरूम की, तो लेगरूम बलिनो में हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू एल्ट्रोज। और वहीं अगर हम बात करें पीछे तीन लोगों के बैठने की, तो पीछे के तीन लोग भी जो है काफ़ी अच्छे से बैठ सकते हैं बलिनो में भी। तो यहाँ अगर हम इंटीरियर्स में विनर की बात करें, तो यहाँ भी एल्ट्रोज जो है वो भारी पड़ती है बलिनो पे, क्योंकि एल्ट्रोज में हमें काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है, एम्बिएंट लाइटनिंग देखने को मिल जाती है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ मटेरियल हमें प्रीमियम देखने को मिल जाती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो एल्ट्रोज है वो थोड़ी सी जो है भारी पड़ने वाली है बलिनो पे। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और बात करते हैं इंजन एंड डायनामिक्स की। तो यहाँ अगर हम बात करें अल्ट्रोज की, तो अल्ट्रोज में हमें अल्फा आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आर्किटेक्चर माना गया है। और अगर हम बात करें 160+ की स्पीड पे भी इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और प्लांटेड माना गया है। इवन ये भी माना गया कि ये गाड़ी जो है हायर स्पीड्स पे फोक्सवैगन की पोलो और हुंडई की i20 से ज़्यादा स्टेबल रहती है। और वहीं अगर हम बात करें स्टीयरिंग की और राइड एंड क्वालिटी की, तो राइड एंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, और स्टीयरिंग जो है काफ़ी लाइट रहता है लोअर स्पीड्स पे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो 1.5 लीटर का हमें डीजल इंजन जो मिलता है, उसमें हमें मिलती है 90 हॉर्स पावर और 200 Nm का टॉर्क, अच्छी NVH लेवल्स के साथ हमें ये काफ़ी स्मूथ राइड प्रोवाइड करता है। वही अगर हम बात करें पेट्रोल इंजन की, तो पेट्रोल इंजन जो हमें देखने को मिलता है वो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जिसमें हमें मिलती है 86 हॉर्स पावर एंड 113 Nm का टॉर्क। और अगर हम बात करें NVH लेवल्स की, तो इतने अच्छे NVH लेवल्स हमें देखने को नहीं मिलते एज कम्पेयर टू इट्स डीजल इंजन। और वहीं अगर हम बात करें, हमें थोड़ी सी नॉइज जो है यहाँ पे देखने को मिलती है इसके पेट्रोल इंजन में।
जिसका कारण है इसकी थ्री सिलेंडर मोटर, और जिसकी वजह से हमें थोड़ी वाइब्रेशन भी देखने को मिलती है। और ओवरऑल अगर हम इसकी माइलेज की बात करें तो हमें 16 to 18 जो इसकी माइलेज जो है वो मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें बलिनो की, बलिनो के इंजन की, तो बलिनो में हमें डीजल इंजन जो ऑप्शन मिल रहा है अभी तक BS4 कंप्लायंस का, वो थोड़े टाइम में डिसकंटिन्यू हो जाएगा 1 अप्रैल से। और वहीं अगर हम बात करें फ्यूचर में हमें डीजल इंजन मिल पाएगा या नहीं, इस पर अभी क्वेश्चन मार्क है, मारुति ने अभी कोई भी इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। लेकिन बात करें अगर हम इसके पेट्रोल इंजन की, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि मारुति जो है हमें बेस्ट पेट्रोल इंजन प्रोवाइड करती है, जो कि हमें बलिनो में देखने को मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जिसमें हमें मिलती है 84 हॉर्स पावर एंड 140 Nm का टोक, और इसमें हमें बड़े ही आराम से जो है 19-20 KMPL की माइलेज जो है मिल जाती है। बात करें अगर डीजल इंजन की, तो BS4 का जो हमें डीजल इंजन देखने को मिलता है वो 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर, जिसमें हमें मिलती है 74 हॉर्स पावर और 190 Nm ऑफ टोक। वहीं अगर हम बात करें इंजन ऑप्शन में विनर की, तो यहाँ अगर हम बात करें डीजल इंजन की, तो एल्ट्रोज का जो डीजल इंजन है वो हमें ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है, BS6 कंप्लायंस के सारे रूल्स को फॉलो करता है, NVH लेवल हाई है और जो राइड है वो काफ़ी स्मूथ है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डीजल इंजन के मामले में जो एल्ट्रोज का इंजन है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। और वहीं अगर हम बात करें पेट्रोल इंजन की, तो पेट्रोल इंजन के मामले में जो बलिनो का पेट्रोल इंजन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये इंजन जो है वो ज़्यादा रिफाइंड है, 4 सिलेंडर के साथ हमें देखने को मिल जाता है, नॉइस जो है वो काफ़ी कम है। चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ और बात करते हैं हम सेफ्टी की। तो एल्ट्रोज में हमें मिल जाता है ABS, ESP, EBD और डुअल एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं एज ए स्टैंडर्ड। और अगर हम बात करें सेफ्टी रेटिंग की, तो यहाँ जो है हमें 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है एल्ट्रोज को। और वहीं अगर हम बात करें बलिनो की, तो बलिनो में हमें मिल जाती है ABS, EBD, ESP, डुअल एयरबैग्स। और अगर हम बात करें सेफ्टी रेटिंग की, तो बलिनो को मिल जाते हैं 3-स्टार सेफ्टी रेटिंग। तो सेफ्टी रेटिंग में अगर हम विनर की बात करें सेफ्टी में ओवरऑल, तो यहाँ एल्ट्रोज जो है वो क्लियर विनर है एज कम्पेयर टू दी बलिनो। चलिए बात कर लेते हैं हम कंक्लूजन की, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को मारुति सुजुकी बलिनो खरीदनी चाहिए और किन लोगों को टाटा की एल्ट्रोज खरीदनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम बात करें अच्छी बातों की, तो बलिनो में हमें जो है अच्छी लुक्स देखने को मिल जाती है, लो मेंटेनेंस देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसका जो पेट्रोल इंजन है वो काफ़ी रिफाइंड है। और वहीं अगर हम बात करें परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो नेगेटिव पार्ट है वो है इसकी पुअर बिल्ड क्वालिटी। और वहीं अगर हम बात करें एल्ट्रोज की, तो एल्ट्रोज में हमें जो है अच्छी लुक्स देखने को मिल जाती है, अच्छा कम्फर्ट देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू दी बलिनो। और हाईवे राइड्स की बात करें, तो हाईवे राइड्स भी जो है एल्ट्रोज में हमें बेटर देखने को मिलने वाली है एज कम्पेयर टू दी बलिनो। और अगर हम बात करें इनसाइड मटेरियल क्वालिटी की, तो वो भी जो है काफी ज्यादा प्रीमियम है एज कम्पेयर टू दी बलिनो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को मारुति सुजुकी बलिनो खरीदनी चाहिए और किन लोगों को टाटा की एल्ट्रोज खरीदनी चाहिए। तो जिन लोगों को जो कि लोकल कम्यूट के लिए गाड़ी चाहिए, जो कि गाड़ी को एज ए पर्सनल यूज करते हैं, ड्राइवर सेंट्रिक कार चाहिए, ड्राइवर कंफर्ट चाहिए, और बात करें कि हाईवे राइड्स जो है वो कम रहती हैं, लोकल राइड्स ज़्यादा रहती है, डेली ऑफिस कम्यूट के लिए गाड़ी चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए बलिनो जो है वो एक बेटर पिक रहेगी। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि बलिनो में हमें माइलेज जो है वो थोड़ी सी बेटर मिल जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो थोड़ी कम रहती है। और बात करें अगर हम सेफ्टी की, तो लोकल ड्राइविंग के केस में सेफ्टी फैक्टर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि गाड़ी जो है हमेशा स्लो चलती है। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो बलिनो है वो आपके लिए सिटी ड्राइविंग के केस में थोड़ा सा बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को टाटा एल्ट्रोज खरीदनी चाहिए। तो जिन लोगों को जो है हाईवे ड्राइव्स ज़्यादा रहती है, जिन लोगों के लिए फैमिली ट्रिप्स जो है वो ज़्यादा रहते हैं, लॉन्ग ड्राइव्स पे जो लोग ज़्यादा जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए टाटा एल्ट्रोज एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि टाटा एल्ट्रोज में हमें अच्छा फैमिली कम्फर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हाई स्पीड स्टेबिलिटी की, तो हाईवे पर हाई स्पीड स्टेबिलिटी जो है वो एल्ट्रोज में बेटर है। और वहीं अगर हम बात करें सेफ्टी की, तो हाईवे पर सेफ्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ अगर हम बात करें टाटा एल्ट्रोज की, तो ये गाड़ी जो है वो बेटर बिल्ड है और सेफ्टी रेटिंग में इसको 5 स्टार मिलते हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि टाटा एल्ट्रोज जो है वो आपके लिए बेटर रहेगी एज कंपेयर टू दी बलिनो। तो ये था इन दोनों गाड़ियों के बीच में कंपैरिजन। आशा करते हैं कि आपकी कंफ्यूजन जो है वो इन दोनों गाड़ियों को लेकर थोड़ी सी दूर हुई होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। और एल्ट्रोज की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए और ऑटो वर्ल्ड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।